साइट पे गया था विजिट करने के लिए, तो वहाँ जाने के बाद कुछ हमारे तरफ से भी कुछ पब्लिक गए थे यहाँ के लोकल, तो वहाँ फिर वो लोग एक्चुअली जो गेट है गेट बना के रखा हुआ है, वो गेट उन लोगों का कुछ मंदिर वगैरह था, फिर हम लोग वहाँ पेट्रोलिंग करने के लिए उस गेट को हटा करके और वहाँ जो डिमार्केशन लाइन बना हुआ है एक बड़ा सा पेड़ है जो फिक्स किया गया डिमार्केशन, वहाँ तक हम लोगों ने पहुँचा है। फिर इनको देखा कि एक बस्ती में एक अंडर कंस्ट्रक्शन एक मंदिर है उनका, वो बना हुआ, इन लोगों से बात भी हम लोग करने का कोशिश किया लेकिन इनका एक्चुअल कोई मालिक सामने नहीं जा रहा है, और बहुत सारा लेडीज और लड़के वगैरह सब जमा हो गए हम लोग के ऊपर में इसका भी बोलने के लिए। फिर हम लोग उन लोगों को समझा करके आया, आ करके फिर यहाँ जो गेट उन्होंने बनाया हुआ था वहाँ तक आकर के वो लोग काफी हंगामा खड़ा किया था, हम लोग उनको समझाया ही है और तो कुछ हम लोगों की तरफ से कोई प्रोवोकेशन कुछ ऐसा एक्शन नहीं हुआ है जो उन लोगों को कुछ हानि पहुंचे। इसके बाद हम लोग नॉर्मली यहाँ आ गए, आकर के सब फिर चले गए, मैं भी वाकई चला गया और यहाँ भी जितने थे। फिर शाम को मुझे फोन आया कि यहाँ वो लोग काफी आकर के यहाँ कथान में अटैक कर दिया है, फायरिंग कर रहा है। फिर एसपी साहब को भी मालूम हुआ, हमारे ईएसपी साहब भी ऑर्डर दिया कि मैं इमीडिएट वहाँ से वाकरो थाना का जितना भी फोर्स था लेकर के आया है। पीछे हमारे बाद में डीएसपी साहब भी आए हैं, आने के बाद में यहाँ डीएसपी साहब भी हम लोगों को समझा करके और कुछ फोर्स आने वाला है, इसके फर्दर क्या एक्शन लेना है वो डीसी साहब है, एसपी साहब है और ऊपर लेवल का जो भी उनके तरफ से इंस्ट्रक्शन होगा। दूसरा बात, जो कल का जो रिपोर्ट है मुझे देना बचा हुआ है डीसी साहब को, उनके ईएसी साहब को, वो रिपोर्ट सबमिट होगा, फिर कल अटैक का फिर एक एफआईआर दर्ज होगा उनके अगेंस्ट में। इसके बाद जो भी हम लोग इंतजार करेंगे क्या एक्शन लेने के लिए हम लोग के पास ऑर्डर आता है। ना मुझे सुनने में मिला कि तकरीबन 100 से ऊपर उनका 150 मूव पूरा भीड़ आया था, लेडीज वगैरह अधिक थी और आकर के लाठी डंडा उन लोगों के हाथ में था, दबाव था और कुछ फायरिंग वगैरह भी किया है। यहाँ हमारे पुलिस भी पहले से है मौजूद, उन लोगों ने भी गुड इवनिंग। जैसे कि लास्ट इवनिंग का एक इंसिडेंट घटा है हमारे कठान विलेज में, जिसमें अराउंड 100 नंबर्स ऑफ चकमा हजोंग्स मिशमी गांव में आके सेवरल राउंड्स ऑफ फायरिंग जो एक्सचेंज हुआ, और वहाँ के लाठी के साथ आए हैं और पत्थरबाजी भी काफ़ी हुआ है, तो उसी के चलते गांव वाला काफ़ी पैनिक में रहा। जैसे ही हमें रिपोर्ट मिला तो हमने तुरंत अपना टीम के साथ रेक किया, अराउंड वी रीच कठान विलेज 1 AM यस्टरडे नाइट। तो हमने विस्तार से हमारे जो गांव के लोगों से बात किया तो काफ़ी वो लोग दुखद है, जिस तरह से जो बाउंड्री शेयरिंग करता है वो एक सिंफो से शेयरिंग करता है, एंड वेरी रिसेंटली वहाँ पर एक ट्रेडिशनल जो बाउंड्री है डिमार्केशन बहुत ही फ्रूटफुल और सक्सेसफुल रहा है, तो जो सिंफो जो काउंटर पार्ट है दे ऑल्सो एग्रीड की जो ट्रेडिशनल जो हम लोग का 3 points जो GPS हम लोग ने पॉइंट लिया है, दे आर एग्रीड की डेट विल बी द फाइनल एज ए ट्रेडिशनल बाउंड्री। लेकिन देखने को ये मिला कि हमारे जो रेफ्यूजीज है जो चकमा हजोंग रिपीटेडली हमारे जो एरियाज में एंक्रोच कर रहे हैं, वहाँ पर फोर्सफुल प्लांटेशंस कर रहे हैं, वहाँ पर मोनेस्ट्री टेम्पल्स इरेक्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ये कम्प्लीटली हमारे मिसमी का हीट का अगेंस्ट में है, वो हम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, ऐसे और मिसमी स्टूडेंट यूनियन हम हमेशा अपना मिसमी भाई के लिए हम लोग खड़े हैं और खड़े हम लोग रहेंगे। और जैसे कि वहाँ गया है तो हमने ये भी पाया है कि वहाँ के लोगों के बीच काफ़ी जो सुविधा मिलना चाहिए नहीं मिला है, काफ़ी आइसोलेट एरिया है, तो उसको भी हम लोग ने विस्तार से बात किए हैं। इसके चलते हमने एश्योर किया है कि कल के दिन हम अपना एग्जीक्यूटिव के साथ इमरजेंसी हम लोग सिटिंग करेंगे, ताकि जो उनका एड्रेस है एक स्टेट गवर्नमेंट एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पुलिस डिपार्टमेंट को हम एड्रेस कर सके, ताकि जो उनका जो डिमांड है चाहे उनका जो टारगेट है वो अचीव कर सके। एंड रिपीटेडली सिंस जब से चकमा हजोंग इशू यहाँ में लोहित अंजाव में सॉरी ये कठान एरिया में रेस हुआ है,
तब से लेकर हमारे जो फॉर्मर लीडर्स से सिविल जो सोसाइटी है मिशमी के जो अपेक्स बॉडी है कम्प्लीटली उन्होंने कहीं सर रिप्रेजेंटेशन मेमोरेंडम परस्यू लेटर सब किया है गवर्नमेंट को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बट टिल दैट दे फेल टू एड्रेस आवर डिमांड सो वी आर कंपेल्ड राइट नाउ वी आर कंपेल्ड सो टू सब अल्टीमेटम तो हम लोग कल के दिन में स्टेट गवर्नमेंट को भी अटेंशन क्रिएट करना चाहेंगे ऐसे अल्टीमेटम सब जरूर करना चाहेंगे इस तरह का दुख दर्द हम कितना सहेंगे अपना ज़मीन अपना लैंड होने के बावजूद जो जिस तरह से जो रेफ्यूजीज जो हमारे एरियाज़ में बैठ कर इतने हमें हमारे मिसमी भाई बंधु को कितना दुख तकलीफ़ दे रहे हैं ये अभी हम फर्दर हम टॉलरेट नहीं कर सकेंगे और कल के दिन में हम बहुत ही फ्रूटफुल वे में एक मिसमी के हिट में हम एक एग्जीक्यूटिव सिटिंग करेंगे और आउटकम सही होगा मैं कथान वासियों को मैं भरोसा दिलाना चाहूँगा और हमें बहुत गर्व भी लगता है कि इतना ट्रेवल्स वहाँ का इंसर्जेंट इश्यूज आता है वहाँ का कनेक्टिविटी इशू आता है वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन इशू आता है उसके बावजूद भी हमारे जो मिसमी भाई बंधु है जो कथान के निवासी रह रहे वहाँ इतना दुख तकलीफ सहते हुए भी आज के दिन में वहाँ रह रहे हैं जिसमें हमारा मिसमी लैंड को डिफेंड कर रहे हैं तो आप ये मत समझे कि आप अकेला है आपका साथ हम जरूर खड़ा है चाहे आंधी हो चाहे तूफान चाहे सुबह हो शाम हम आपके साथ खड़े हैं आप ये मत समझे कि आप अकेला हैं ज़रूर हम आपके साथ हैं और इसी तरह हम आपके साथ ही रहेंगे इसमें कोई दुविधा आप लोग रहना नहीं है बिल्कुल टीम आमसू सोसाइटी के हित में और लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द मिसमी सोसाइटी एज ए होल हम लोग काम करने के लिए सक्षम है और इसी को हम लोग फर्दर हम लोग प्रोसेस करेंगे।